ये आपको समझ में आ गया कि कैपेसिटिव सर्किट का क्या होता है, एक्सी इंडक्टिव सर्किट का क्या होता है एक्सएल, ठीक है, और वो हमको समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा आगे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा सर्किट होता है कि देखो ये जो है ना, ये थोड़ा थ्योरेटिकल होता है कि खाली इंडक्टर होता है, खाली कैपेसिटर होता है, खाली रिया वो होता है, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर, खाली रेजिस्टर होता है। अगर हम बात करें सर्किट में तो तीनों के तीनों अवेलेबल होते हैं। अगर हम बात करें एक प्रैक्टिकल सर्किट तो उसमें सब सारे के सारे होते हैं। अब देखो अगर मान लो हमारे पास अगर हमारा एसी सर्किट, रेजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तीनों के तीनों अगर है ना, तो क्या देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पे, ये ऐसा कुछ सर्किट, ये एक इंडक्टर है। तो तुम्हारे बुक में अगर ऐसे लोग देखो या न्यूटन फिजिक्स देखो तो उसपे पता क्या किया उन लोगों ने, उसने ने सीआर लिया है, फिर एलआर लिया है, फिर एलसी लिया। हम लोग क्या करें, तीनों को एक साथ स्टडी कर रहे हैं, और तीनों को एक साथ स्टडी करके तुमको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और तुम उससे दो कोई अगर एक मिसिंग है तो वहां से उसकी वैल्यू हटा देना, कोई तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर है, ये एल सी आर, ठीक है, इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा। तीनों के तीनों सीरीज में सबसे पहला सवाल हमसे पूछा जाएगा कि इसके लिए हमको अगर बोला जाएगा कि ड्रॉ करो फेजर डायग्राम कैसे होंगे, तो करंट देखो यहाँ पे सबसे खास बात क्या है कि करंट तीनों में एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी। अगर करंट तीनों में अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो हमने अगर यहाँ पे तीनों में करंट का अगर डायरेक्शन दिखाना है ना, तो करंट हम ऐसा दिखाएंगे, ये करंट, ये करंट और ये करंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम वोल्टेज की बात करें ना, तो हमने देखा था कि इंडक्टर में क्या था, करंट पीछे थी, वोल्टेज आगे थी। अब अगर हम वोल्टेज की बात करें, अगर हम वोल्टेज को दिखाते हैं अगर लेट से ब्लैक लाइन से, तो करंट आगे थी, वोल्टेज पीछे था, आई लैक्स ई, करंट आई लैक्स ई, ऐसा हो जाएगा। ये वोल्टेज, ठीक है, इसमें वोल्टेज आई लीड सी, करंट आगे होती है, वोल्टेज पीछे होती है, ऐसा हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, साथ साथ बढ़ते हैं, ऐसा होता है।
90 जीरो, ये हमारा ऐसा हो। अब समझना आप ध्यान से, ये जो चैप्टर है ना थोड़ा हमारा बाकी चैप्टर से अलग हट करके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हम वोल्टेज को है करंट को है हम लोग यहाँ पे ट्रीट करते लाइक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। हालांकि करंट और वोल्टेज स्केलर होता है लेकिन हम यहाँ पे कैसा ट्रीट करते हैं उसको लाइक वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन सबके डायरेक्शन अलग अलग जा रहे हैं तो डायरेक्शन भी कंसिडर करना पड़ेगा। भाई जब हमने नॉर्मल चैप्टर पढ़ा था डीसी का तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, सब रेजिस्टर ही रेजिस्टर था, ठीक है, सब एक ही लाइन पे था। लेकिन यहाँ पे क्या डायरेक्शन थोड़ा उल्टा पुलटा होना। अब यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, अगर हमको बोला जाएगा इस तीनों को एक साथ बना करके दिखाओ, ठीक है, वोल्टेज को करंट को सबको एक साथ बना करके दिखाओ, तो इसको मैं ऐसा ड्रॉ करके दिखाओ, इसमें जो मैंने वोल्टेज ड्रॉ किया है यहाँ पे ऐसा गया, इसको हम लिख सकते हैं वी एल, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं वी सी, इसको हम लिख सकते हैं वी आर, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे आई। अगर हमने तीनों को एक साथ बनाया ना तो तीनों को हम एक साथ ऐसा बनाते थे, वी, उसके बाद VL, उसके बाद VC। तो यहाँ पे VL VC के बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो मैंने खाली सिंपल लेने के एक बार VL को मैंने बड़ा दिखा दिया, VC को मैंने छोटा दिखा दिया और VR को मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है, ये ऐसा मैंने दिखा दिया। अब अगर मुझसे पूछा जाएगा कि VL VC को मैंने अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया, क्योंकि देखो यहाँ पे ये अपोजिट में ही ना, ये देखो ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, और VR को मैंने ऐसा दिखाया, इसको मैंने ऐसा दिखा दिया। अगर ये मैंने ऐसा दिखाया तो अब यहाँ पूछा जाएगा कि बताओ VL माइनस VC ये लेंथ नेट वोल्टेज क्या होगी, ठीक है, एक तो VR और उसके बाद ये दोनों तो उल्टे डायरेक्शन में, ये वाला लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज VL माइनस VC, ये डायरेक्शन फिक्स होता है एक्चुअली, मतलब अगर तुमने सच देखा जाए ना, अगर मान लो तुमने L के अक्रॉस लगाया अगर वोल्ट मीटर, ठीक है, L के क्रॉस वोल्टमीटर लगाया तुमने अगर, तो हमें वोल्टेज मिलता मान लो 20 वोल्ट, हमने C के क्रॉस लगाया हमको वोल्टेज मिलता 20 वोल्ट, ठीक है। अगर हमने L और C इसके क्रॉस लगा दिया ना वोल्टेज, अगर ये L और C के क्रॉस दोनों के साथ में, तो हमें वोल्टेज 0 वोल्ट मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा, क्योंकि तो इसका ऑपोजिट होता दोनों का, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी चीज थ्योरी में बना दी है, प्रैक्टिकली देखा गया है कि अगर L के अक्रॉस 20 है, C के अक्रॉस 20 है, तो L और C के अक्रॉस 0 होता है। तो 0 कैसे हुआ, क्योंकि तो एक का प्लस 20 आएगा एक का माइनस 20 आएगा तब ना 0 आएगा, तो मतलब वोल्टेज के डायरेक्शन तो अपोजिट होगा, ऐसा। आई बात समझ में? अब देखो यहां से अगर मान लो मैंने ऐसे ड्रॉ किया, अगर ये VL रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा VL माइनस VC हो जाएगा। मतलब ये मान लो अगर 10 है, ये मान लो अगर 8 है, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हो जाएगा L और C के क्रॉस माइनस करके, और देखो यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग, मान लो यहाँ 100 है, हमने L के क्रॉस तापा 100, हमने C के क्रॉस तापा 60। अगर हमने इसके और इसके क्रॉस अगर वोल्टमीटर सेट कर दिया तो वोल्टेज हमको मिलेगा 100 माइनस 60 दैट इज 40। आई बात समझ में? और अगर हम इसका रिजल्टेंट वोल्टेज नापे ना, तो इसका रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा मैंने क्या बोला कि यहां पे हम लोग इसको किसकी तरह ट्रीट करते लाइक वेक्टर, तो ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट वोल्टेज V, ठीक है।
तो वी कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा, देखो तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो ये वी आर और ये वी ए माइनस बी सी, रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा रूट ओवर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है, वी एल माइनस बी सी का स्क्वायर प्लस आर का वी आर का, सॉरी वी आर का स्क्वायर, वी आर का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या सुना ध्यान से, ये जो टॉपिक है ना थोड़ा तुम लोग को अजीब लगेगा पढ़ने में, बिकॉज यहाँ पर देखो यहाँ पे हम वोल्टेज तो क्या करते थे, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री ऐसे करते थे, सिंपल ऐड करते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे डायरेक्शन अगर अलग अलग है ना तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। और ऐसा देखा गया, देखो अगर मान लो यहाँ पे हमारा वोल्टेज, अगर हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे आ रहा वोल्टेज लेट्स से 100, यहाँ पे आ रहा 100, यहाँ पे हमने वोल्टेज नापा हुआ है 60, ठीक है, और यहाँ पे जो हमने वोल्टेज नापा हुआ था मान लो हमारा या ऐसा करते हैं ना, पर इजी नंबर लेते हैं, यहाँ पे मान लो अगर हमने वोल्टेज नापा हुआ हमारा आया 8, ठीक है, यहाँ पे हमने वोल्टेज नापा तो वो आया 4, ठीक है, यहाँ वोल्टेज नापा तो हमारा आया 3 वोल्टेज, ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसा हमने वोल्टेज, हमने वोल्टमीटर लगाया इस पॉइंट के क्रॉस, लगाया वोल्टमीटर कितना आया 8 वोल्ट हमने नापा, हमने इस पॉइंट के क्रॉस नापा तो हमको कितना मिल जाएगा 4 वोल्ट, और हमारा यहाँ पे नापा तो हमने कितना नापा यहाँ पे आया हमारा 3 वोल्ट। अगर पता है रेजिस्टर होता ना खाली, अगर ऐसे यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे वोल्टमीटर एक, ठीक है, और अगर हमने यहाँ से करंट वेंट पास करवाई ना तो 8 4 12 12 3 15 15 वोल्ट आता, ठीक है, ऐड करके कितना आता 15 वोल्ट आता। लेकिन जब हमने यहाँ पे किया ना ऐसा काम, 8 आया 4 आया 3 आया, हमने इसके अक्रॉस वोल्ट लगा दिया, क्या कहते हैं वोल्टमीटर, कहाँ पे लगाया वोल्टमीटर हमने, इस दो पॉइंट के अक्रॉस, इस दो पॉइंट के अक्रॉस लगा दिया हमने वोल्टमीटर। जब हमने इस दो पॉइंट के अक्रॉस लगाया वोल्टमीटर तो हमने क्या देखा कि वोल्टेज हमको 15 वोल्ट नहीं मिलता है, वोल्टेज हमें कितना मिलता है, हमको यहाँ पे वोल्टेज मिलता है 8 माइनस 4 कितना हो गया 4 रूट ओवर 8 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस इसका 3 का स्क्वायर। 8 माइनस 4 कितना होता है 4, रूट ओवर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 दैट इज रूट 25 दैट इज 5 वोल्ट आएगा। मतलब इस दो पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज हमको कितना मिल रहा है, 5 वोल्ट मिल रहा है, ना कि 13 वोल्ट। समझना इस चीज को, ये ऐसी जो करते थे वेक्टर में करते थे, ये कितना आ रहा है 5 वोल्ट आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सबको, मैं थोड़ा धीरे जा रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है ना इसमें हमारा जो स्टडी कर रहे थे ना हम लोग करंट की पूरी पलट गई। ये करंट जो होती है ना डिस इज नो मोर यहाँ पे इसको स्केलर की तरह ट्रीट करते हम लोग, बट वी ट्रीट इट एज लाइक वेक्टर। पर तुम्हें कुछ बोलना है? हाँ सर, बोलो ना सर। ये जो VL माइनस VC वाला ये जो ग्राफ बनाया है बाजू में, इसमें VL माइनस VC मैं ना मार्क करती हूँ वहां तक ही है ना। क्या मार्क करती हूँ मतलब? ये सर ये येलो से मार्क किया है ना मैंने। हाँ हाँ, VL माइनस VC यहाँ से लेके, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक किया सर। और फिर वो नीचे वाला, नीचे का पार्ट को कैसे लिखेंगे? नीचे को लिखने की जरूरत ही ना, बिकॉज ये तो हट गया ना, ठीक है, ये पूरा तो समझ ही नहीं आया। लाइक वो पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गया, ये वाला मुझे नहीं समझ आया क्या किया है। ये मान लो ये पूरा 100 था, ठीक है, VL 100 था, कोई दिक्कत नहीं है। VC हमने नापा, ये हमारा आता 60 आता, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्शन उल्टा है ना, ये कितना हो जाएगा, ये 40 ही हो जाएगा, इसको हटा दो। तो मान लो तुम कोई बॉडी पे अप्लाई करती हो फोर्स, ठीक है, वो फोर्स तुम्हारा 100 न्यूटन है और तुमने इधर अप्लाई किया 60 न्यूटन, तो तुम फोर्स कितना बोलोगी, 100 बोलोगे 60 बोलोगे कि 40 बोलोगी? 40, तो 40 बोलेंगे। अब मान लो अगर हमको 40 को दिखाना है तो वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में जो लेंथ होती है ना वो उसकी वैल्यू को दिखाता है। अगर मैं वैल्यू को दिखाऊं यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया नेट फोर्स दैट इज 40 जो रेड लाइन है। यहाँ भी सेम चीज है, ये जो हमारा VL माइनस VC है ना दिस इज दिस मच, व्हाट इज VL माइनस VC, VL और VC का एडेड वैल्यू, ठीक है, मतलब उसका जो इफेक्टिव वैल्यू वो है VL माइनस VC इतना। ये तो जब हमने इसको ड्रॉ कर दिया ना तो फिर ये दोनों को हमको सोचने को मतलब ही नहीं बनता। ओके सर, ठीक है ना,
ऐसा ये ना मैं एकदम स्लो जाऊंगा इसमें, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा हमारे लिए अलग थोड़ा पड़ जाता है। अब हमसे क्या पूछा जाएगा कि बताओ इस वोल्टेज की इफेक्टिव वैल्यू क्या है, तो हमसे बोले हमने बोला कि VL माइनस VC, ठीक है, रूट ओवर प्लस इसका। अब ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आई थिंक ये सबको समझ में आ गया, ठीक है, कि 8 वोल्ट 4 वोल्ट 3 वोल्ट का सम यहाँ पे जो होगा 12-15 नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे सम 15 नहीं होगा, 8-4-12-15 नहीं होगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है रूट ओवर VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। और ये फॉर्मूला ऐसा नहीं होता कि हवा में बना दिया गया, ये फॉर्मूले को देखा गया है लैब में, कि फिजिक्स लैब में, कि हमने नापा है वोल्टेज, वोल्ट मीटर से 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर हमने देखा कि हमने सोचा कि चलो यहाँ पे 8-4-3 अगर आ रहा है तो हम यहाँ पे इसका हमारा वोल्टेज जो है 15 होना चाहिए, लेकिन हमने इस दो पॉइंट के क्रॉस वोल्ट मीटर लगाया, ठीक है, और हमने देखा कि वहां 15 नहीं आता, वहां 5 आता है, तो हमने बोला कि नहीं, हमारा जो डीसी सर्किट वाली जो थ्योरी थी वो गलत थी, क्योंकि याद रखना कोई भी थ्योरी जो हमारे एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट नहीं कर पाए उस थ्योरी को हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमने बोला कि नहीं, वो वाली जो थ्योरी थी V1 प्लस V2 प्लस V3 डीसी वाली वो एसी में नहीं चल पाएगी। तो फिर हमने साइंटिस्ट लोगों ने नया एक्सपेरिमेंट ट्राई किया, उन्होंने बोला कि नहीं, वोल्टेज आगे पीछे वेक्टर से लेकर ट्राई करते हैं, उन्होंने वेक्टर से लेकर ट्राई किया, उन्होंने देखा कि अच्छा यहाँ पे वेक्टर से लेकर के हम अगर निकालते आंसर तो हमारा एक्सपेरिमेंट के साथ मैच करता है, तो बोला हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ये वेक्टर वाला मेथड फॉलो करना है आपसे वोल्टेज के लिए, ठीक है, ये ऐसा होगा। अच्छा उसके बाद अब ऐसा एक पूछा गया एक टर्म, अब इस पे एक चीज और आती है, वो आता है फेस, ये क्या हो गया, फेज हो गया, वोल्टेज और ओरिजिनल वोल्टेज के बीच में, ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, अब यहां पे मैं लिखूं अगर वी आर वी एल माइनस वी सी, अब यहां पूछा जाएगा वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो हमने लिख दिया, याद करो E equals to E naught sin omega t, ठीक है, और I का एक्सप्रेशन क्या था, इंडक्टर के लिए था I equals to I naught sin omega t minus pi, ठीक है। तो अगर हम ये वाले सर्किट की बात करें ना, इसमें अगर तो हमारा करंट किधर जाएगा, हमारा करंट जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, हमारा करंट अगर इस डायरेक्शन में जाएगा, एक काम करना इसको थोड़ा लंबा चला जाएगा ये अभी, ठीक है, अभी बस खाली इतना याद रख लो इसका फेस कितना होता है, इसका फेस फाई होता है, ठीक है, इसके आगे जो ना मैं नेक्स्ट क्लास पे कंटिन्यू कर लूंगा, ठीक है, इतना घर पे अच्छे से पढ़ जाना, इस डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना है, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास पे आगे इसको कंटिन्यू कर लूंगा, ठीक है, यहाँ तक काफी आज के लिए, फिर आगे जाऊंगा, फिर मेरे को 15-20 मिनट क्लास देना पड़ेगा, ठीक है, चलो मैं क्लास यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है।